जिसको जल्दी जल्दी पढ़ना है वो आप इसको इसको स्पीड अप करके वीडियो देख सकते हो ठीक है लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दैट वॉट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स ओके द ऑप्शन आर वन ट्वेंटी सिक्स वन ट्वेंटी फोर वन ट्वेंटी फाइव और वन थर्टी सो द आंसर हैन ट्वेंटी सिक्स और ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज कौन करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आपका ठीक है विद दैट बाकी सब सबके भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ठीक है जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में आपका इंडिया स्टैंड करता है वन ट्वेंटी सेवन पे ग्लोबल कंपेरेटिव इंडेक्स में इंडिया इज फोर्टी ओके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया आपका वन थर्टी टू पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 ट्वेंटी सिक्स पोजिशन पे है आउट ऑफ वन फोर्टी सिक्स ओके है पासपोर्ट okay? इंडेक्स में इंडिया गॉट एटीथ रैंक इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्टैंड करता है सिक्सटी सेवन पोजिशन पे देन वी हैव ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स ओके इसमें आपकी फाइव सिटीज हैं जो मैंशन थी ठीक है और वो कौन सी कौन सी हैं डेली मुंबई देन वी हैव अहमदाबाद चेन्नई एंड बेंगलुरु सो दे गिव यू स्कोर आउट ऑफ हंड्रेड ओके सो so, हंड्रेड में से ये इनके पर्टिकुलर स्कोर्स हैं दैट दे अटेंड एंड डेली एंड मुंबई के हुआ है आपका टाई ठीक है मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया रिलीज द एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स ऑफ दर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ओके सो द ऑप्शन आर आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडेक्स नीति आयोग और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ओके द आंसर है अब नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री नीति आयोग ने रिप्लेस किया था आपकी प्लानिंग कमीशन को और कब आई थी ये जनवरी फर्स्ट 2015 में ओके देन वी हैव चेयरपर्सन कौन होता है इसका हमारा पी होते हैं ठीक है थीके, अभी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनका नाम है श्री बी वी आर सुब्रमण्यम ओके हेयर इज हिज पिक्चर एंड uh, नीति आयोग पर ये क्वेश्चन आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या नहीं है सो so, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है स्टैचटरी भी नहीं है ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है आपकी ओके okay? सो so, ये भी याद रखना आप ठीक है मूविंग फॉरवर्ड वी हैव वेन इज द नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड दी ऑप्शन आर ट्वेंट ऑगस्ट सेवेंथ ऑगस्ट थर्टी जुलाई और मार्च थर्टी ईथ आंसर है ऑगस्ट सेवेंथ आपका है आपका नेशनल हैंडलूम डे ठीक है देन थीम क्या था इस बार हैंडलूम्स विद सस्टेनेबल फैशन ओके और सेवेंथ ऑगस्ट क्यों चूज करते हैं क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट इस दिन लॉन्च हुआ था आपका ऑगस्ट सेवेंथ नाइनटीन ओ फाइव में कैलकटा में ओके okay? ये भी याद रखिएगा देन वी हैव वेर हैज बीन इंडिया फर्स्ट वेदिक पार्क इनग्रेटेड ओके ऑप्शन आर बेंगलुरु उड़ीसा नोएडा और डेली ओके आंसर है आपका यू कैन गो सी देर दिस इज अ पिक्चर एंड देन वी हैव ये आपका क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपका में भी आया है ठीक है कंट्रीज फर्स्ट ए आई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क इनग्रेटेड तो ये आपका कहा हुआ है बेंगलुरु कर्नाटका में ओके आई आई एस सी में हुआ है आपका ठीक है और बेंगलुरु के आपको सिलिकन वैली भी बोलते हैं इंडिया की ठीक है ये It's not in the context, but still, national parks के ऊपर इंडिया इंडिया में में, अभी कितने ठीक है? इंडिया में, उसके बाद में जो रिसेंटली एड हुआ है वो है आपका रायमोना नेशनल पार्क कहां पर हुआ है असाम में ओके और ये असाम का सिक्स नेशनल पार्क है और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर है अभी आपके एमपी में है ठीक है और असाम के सेकेंड नंबर पे आते हैं ठीक है मूविंग फॉरवर्ड वी हैव

टू बेंचर इन टू स्पेस दर फातिमा रैना अलमन और यासमीन ओके सो पहली अरब वुमेन कौन है आपकी रायना बरवानी ओके okay? ये आपको लिए इम्पॉर्टेंट है ये आपको पता रहना चाहिए ठीक है और कौन से मिशन के थ्रू जा रही है ये एग्जिम मिशन टू के आ, पार्ट से गई है ठीक है एंड हर पार्टनर इज अली अल खानी ठीक है और उसके बाद में अरब पर्सन और फर्स्ट मुस्लिम टू वेंचर टू स्पेस कौन था आपके सुल्तान बिन सलमान ओके ठीक है ये भी आपके साउदी से थे ठीक है और ये कब गए थे नासा के मिशन के थ्रू गए थे इंड इफ नाइनटीन एटी इससे अब याद आया बिकॉज इसरो हैज बीन इन न्यूज ठीक है news, तो इसरो से रिलेटेड भी आप याद रखिएगा ठीक है सो हु इज द रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया शी इज रितु श्रीवास्तव ओके दिस इज इंपॉर्टेंट दे माइट आस्क यू देन वी हैव इंडिया में कब इसरो यू नो इसरो आई इज इस मिसिंग ठीक है तो ये कब हुआ था ऑगस्ट फिफ्थ 1969 सिक्सटी नाइन है पता होना चाहिए आपको ठीक है कमेंट्स में आप बताएंगे कि इसरो का uh, हेडक्वार्ट पर है आपका ठीक है

थ्री डी प्रिंटेड है इसलिए इम्पॉर्टेंट है ठीक है न्यू डेली मुंबई कोलकाता और बेंगलुरु ओके सो इट्स बिन कंस्ट्रक्टेड इन बेंगलुरु ये है पिक्चर आपकी ठीक है मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एन्वायरमेंट डे द दप्शन आर फिफ्थ में फिफ्थ जुलाई फिफ्थ जून और फिफ्थ ऑगस्ट द आंसर इज फिफ्थ जून है ओके और जो आपका स्लोगन था इस बार का इन्वायरमेंट डे का वो इज सलूशन टू प्लास्टिक पल्यूशन ओके दिस विज दलोगन मूविंग फॉरवर्ड आई हैव यू नो टेकन आउट सम इम्पॉर्टेंट डेज ये हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं ठीक है लाइक फर्स्ट अप्रैल को आपको उड़ीसा फाउंडेशन डे होता है ठीक है फिफ्थ अप्रैल को नेशनल मेरी टाइम डे होता है इंडिया में ठीक है और फिर एटीन अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेरिटेज डे ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे होता है ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल को होता है वर्ल्ड अर्थ डे ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल को होता है आपका नेशनल पंचायती राज डे ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है थर्टी एथ अप्रैल को आपको होता है आयुष्मान भारत दिवस ट्वेंटी फर्स्ट जून को इंटरनेशनल योगा डे इम्पॉर्टेंट है ठीक है फिफ्थ जून को आपका होता है वर्ल्ड एन्वायरमेंट डे थर्टी एथ जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे ठीक है इम्पॉर्टेंट है ठीक है फर्स्ट जुलाई को जीएसटी डे होता है ट्वेंटी जुलाई को होता है आपका इंटरनेशनल चेस डे ये भी याद रखना चेस बहुत न्यूज़ में है ठीक है 26 जुलाई को कारगिल दिवस होता है और आपका ट्वेंटी जुलाई को होता है इंटरनेशनल टाइगर डे ओके इंपॉर्टेंट है ये भी

राकेश अस्थाना मूविंग फॉरवर्ड वी हैव हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्रेड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार्स ऑफ सुरी नाम्स हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये और इनके president चंद्र uh, का प्रसाद संतकोशी ने दिया है ये ठीक है ऑप्शन आर राजनाथ सिंह द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी और रामनाथ कोविंद सो हैज बीन अवार्डेड द्रौपदी मुर्मू हैज बीन अवार्डेड दिस प्राइज ओके मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विच कंट्री क्वाइन द नेम मोका फॉर दी साइक्लोन ओके सो आंसर ऑप्शन है यूएस इंडिया यूके और यमन आंसर है येमेन हैज कॉइन दिस वर्ड ओके सो आपको पता होना चाहिए

ऑप्शन दामोदर माउज़ो, चेतन भगत अरुणिति रॉय और विक्रम सेठ सो आंसर है आपका दामोदर माउजू ठीक है और इनका किस लिए कॉन्ट्रीब्यूशन इन कौन क्यून लिटरेचर ठीक है of, uh, ये भी इम्पोर्टेंट है और आपका फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड कब दिया गया था कौन सी ईयर में 1965 में ओके देन वी हैव वेर इज इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क सेट टू बी एस्टेब्लिश ओके सो आर वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र असाम और गुजरात सो आंसर है आपका असम में हो रहा है ये यू नो कंस्ट्रक्ट ओके ठीक है मूविंग फॉरवर्ड वी हैव वॉट इज द थीम ऑफ इंडिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में यूनिटी इज डाइवर्सिटी डिजिटल इंडिया जन भागीदारी और स्वच्छ भारत ओके आंसर है आपका जन भागीदारी इज द थीम ओके फॉर दिस इयर्स और आपके यहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे वो इज द प्रेजिडेंट ऑफ इजिप्ट हिज नेम विज अबेल फाता इल सीसी ओके ये भी इम्पॉर्टेंट है ये भी याद रखना आप ठीक है एग्जाम ओके देन वट इज द नेम ऑफ इंडियाज आर्मी ऑपरेशन एम दैट असिस्टिंग टर्की एंड सीरिया यहाँ पे एक मेजर अर्थ क्विक आया था देन इंडियन आर्मी कंडक्टेड नो ऑपरेशन दैन सो so, ये आपको पता होना चाहिए ठीक है आर ऑपरेशन पावन ऑपरेशन मेघ दूध ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन दोस्त ओके आंसर है आपका आपका यहाँ पर ऑपरेशन दोस्त बट आपको बाकी ऑपरेशन भी पता होना चाहिए लेकिन आज क्यों ठीक है लाइक ऑपरेशन पावन आपका कब कंडक्ट हुआ था जब श्रीलंका में सिविल वॉर चल रही थी ठीक है ये याद रखना और किसी है? में नाइनटीन एटी सेवन में ठीक है देन आपका ऑपरेशन मेघदूत किसने कंडक्ट किया था इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था कब टाइम uh, हुआ था ये मिशन टू सीज दिस दिन ग्लेशियर इन काश्मीर रीजन ओके देन वी हैव सफेद सागर सफेद सागर और वाइट ओशन आपका एयरफोर्स का मिशन था और ये 1999 में कारगिल वॉर के टाइम पे हुआ था ठीक है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइंट विद इंडियन आर्मी ठीक है देन और भी ऑपरेशन है वो भी याद रख लेना ठीक है लाइक पोलो है 1948 में हुआ है आपका ठीक है ये किसका है इंडियन आर्मी का कब हुआ है ये फॉर स्टेट ऑफ हैदराबाद के टाइम पे जब उसको यूनियन में हम इंक्लूड uh, कर रहे थे वाले टाइम पे ठीक है देन वी हैव ऑपरेशन विजय नाइनटीन सिक्सटी ये पोर्टुगीज को कंट्रोल करने के लिए हुआ था ठीक है फ्री गोवा फ्रॉम द ओके देन इट वाज देन इज ऑपरेशन ट्राइबेंट ओके ये कब हुआ है नाइनटीन में ये नेवल असल्ट के टाइम पे हुआ था फर्स्ट नेवल असोल्ट अगेंस्ट पाकिस्तान ओके देन वी हैव ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो ठीक है 2008 में हुआ है ये आपका ट्वेंटी अटैक के टाइम पे मुंबई वाले टाइम पे ठीक है ऑपरेशन समुद्र सेतु है 2020 में हुआ कोविड uh, के टाइम पे यू नो अब्रॉड में uh, जो भी uh, आपके इंडियन सिटीजन्स थे उनके लिए हुआ था ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए ठीक है देन ऑपरेशन मैत्री 2015 में हुआ आपका इंडियन मिलिट्री टू रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशन ठीक है अर्थक्विक के टाइम पे जो हिट थे नेपाल के अंदर पीपल ठीक है देन वी हैव ऑपरेशन संकट मोचन जो 2016 में हुआ है आपका ये हुआ है साउथ सुदान वॉर के टाइम पे सिविल वॉर के टाइम पे ठीक है इतना याद रखना और मत करना एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है ठीक है ऑपरेशन गंगा 2022 में हुआ है आपका ठीक है इंडियन एयरफोर्स ने करा है ये अलोंग विद दी कमर्शियल एयरलाइंस ठीक है इवेक्यूट पीपल आर सिटीजन फ्रॉम यूक्रेन ठीक है ये वाला ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है ये याद रखना रिसेंट वाला है तो याद रखना ठीक है देन वी हैव वेर डेड पीएम मोदी इनग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्यूफेक्चरिंग फेसिलिटी ओके कर्नाटका हैदराबाद चेन्नई और पुणे आंसर है कर्नाटका स्तमकूरू में हुआ है और एच का ये ओपन हुआ है यहाँ पे ठीक है लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओके इम्पोर्टेंट है टू यूनाइटेड नेशन दर रुचिरा कम्बोज सुषमा स्वराज हरदीप सिंह पुरी और okay so the answer here is ruchira कंबोज okay important

ठीक है देन हु इज बीन अपॉइंटेड एज द डी जी ऑफिस बी ओके अरविंद वाल्या रश्मि शुक्ला विक्रम देवदत्त और रवि सिन्हा ओके सो आंसर है आपका रश्मि शुक्ला शी इज बीन अपॉइंटेड एज द डी जी ऑफिस भी ठीक है बाकी सब ऑप्शन के बारे में अभी आप आपको पता होना चाहिए प्लस हु वॉज द डी जी बिफोर हर एस एल था ओके ये भी इंपॉर्टेंट है मूविंग फॉर्वर्ड वी हैव हुई नोबल प्राइज इन मेडिसिन ट्वेंटी ट्वेंटी टू सेवेंट ऑफ आव वो एल इन एस्पेक्ट मॉर्टन मेडल और एनी एनक्रॉक्स ओके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईव मीन टेलिंग यू नोबेल प्राइजेस आएंगे एफ कैट में भी आए थे एज आई हैव सेड ठीक है और मोस्ट प्रोबेबली अभी पूछेंगे यूपीएससी आई डोंट नो दे जस्ट लव दिस टॉपिक ठीक है नोबेल प्राइज तो ये रिवाइज करके जरूर जाना दी आंसर इज तो पैबो है एंड आई ऑल्सो अटैच हर नोबल प्राइज विनर के बारे में ठीक है फिजिक्स के भी हैं केमिस्ट्री के भी हैं मेडिसिन की भी यहाँ पे मैंशन है ये पढ़ के जाना सबके नेम ठीक है ये नेम्स इम्पॉर्टेंट हैं प्लस क्यों मिला है ठीक है वो भी इम्पोर्टेंट है सो ये जरूर रिवाइज करके जाना ठीक है लिटरेचर के भी पीस के भी और इकॉनमी में भी सारे ठीक है सब के सब इकोनॉमिक्स के भी सब आपको रिवाइज करके जाना ठीक है

ये इंपॉर्टेंट है और कब लॉन्च होगा 2024 में लॉन्च होगा ठीक है इट्स अ 12 डे मिशन ठीक है ट्वेल्व डेज टू ग्लो मैप द इंटायर ग्रुप जो भी है इसरो बहुत न्यूज में है इसरो से रिलेटेड बाकी चीजें भी आप रिवाइज करके जाना ठीक है चीफ ऑफ इसरो कौन है अभी ठीक है एस सोमनाथ ठीक है so, सो ये सब uh, और इसरो के जो मिशन हैं पास्ट के ठीक है वो भी एक बार देख के चले जाना दे माई टास्क यू ठीक है

और आप क्वेश्चन भी सॉल्व करो ठीक है सो मेक श्योर टू डू दैट ठीक है एंड में रश मत करना एंड यू नो डोंट मार्क द रोंग आंसर्स देयर इन यू मार्क शीट ओके एंड आई विश यू ऑल ऑल द बेस्ट